गिरिराज जी की शरण में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, पत्नी सहित लगाई परिक्रमा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे गोवर्धन पहुंचे। वे यहां होटल विंगस्टन में कुछ देर रुके और फिर राधाकुंड पहुंच गए। यहां से पहले से मौजूद धर्मपत्नी साधना सिंह एवं अन्य स्वजन के साथ भजन मंडली के संग गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू की। इससे पहले उनकी धर्मपत्नी शुक्रवार शाम ही यहां पहुंच गई थी। शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह ने सबसे पहले बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर में दर्शन कर मनौती मांगी। सेवायत भगवान दास गोस्वामी ने माला व दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वे गोवर्धन पहुंची और दान घाटी मंदिर में गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की। सेवायत पवन कौशिक ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के बीच पूजा संपन्न करवाई। मथुरा दास कौशिक, कन्हैया लाल शर्मा, राजकुमार कौशिक, सतीश कौशिक, दिनेश शर्मा मौजूद रहे। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। होली खेलने से हुई थकान मिटाने को सेवायत गिरिराज जी की सेवा में जुटे हैं। गिरिराज जी प्रभु का रबड़ी वे गंगा जल से अभिषेक किया गया, साथ ही इत्र से जमकर मालिश की गई। मंदिर रिसीवर कपिल चतुर्वेदी ने गिरिराज का रबड़ी और मानसी गंगा के जल से प्रभु का अभिषेक किया। सुगंधित इत्र लगाकर मालिश की गई। प्रभु के चरण और श्री अंगों को धीमे धीमे दबाकर थकान मिटाकर प्रभु को संवारा गया। कपिल चतुर्वेदी ने बताया कि प्रभु भक्तों का दरबार लगाकर मनोकामना पूरी करेंगे। प्रभु की थकान मिटाने के लिए ही यह आयोजन किया गया है। गिरिराज प्रभु को केसर युक्त अधौटा दूध और मालपुआ समर्पित किए। प्रभु को सुलाने के लिए शयन के पद सुनाए। इसके उपरांत 5 ज्योतियों से नजर उतार कर प्रभु को सुलाया गया।